वेलकम बैक टू दिस वीडियो। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पावर कॉर्ड्स। डेफिनेटली हम जो है ना पावर कॉर्ड्स के बारे में डिटेल्स डिस्कशन करेंगे एंड वी हैव ऑलरेडी बीन थ्रू ऑल द थ्योरी स्टफ्स, लेकिन ये पावर कॉर्ड्स की जो थ्योरी है वो लोग बजा पाते हैं, लेकिन द थिंग इज दैट दे डोंट नो हाउ टू यूटिलाइज इट इफिशियंटली, क्योंकि पावर कॉर्ड इज वन ऑफ द टूल विच इज गोइंग टू बी यूटिलाइज इन सेवरल जॉनर्स। ठीक है, हर एक जॉनर पे आप जॉनरा पे यूज कर सकते हो इसको, एंड इट्स ऑलवेज साउंड्स ऑसम। दैट्स द रूल ऑफ पावर कॉर्ड। इसलिए और उसमें आपको पता है ना बहुत एनर्जी वगैरह रहता है, सो यू कैन फील इट एंड यू कैन लाइक यूटिलाइज इट इन अ वेरी इफिशियंट वे इफ यू नो द थ्योरी बिहाइंड इट। सो क्विकली डाइव इन करते हैं, पावर कॉर्ड एक्चुअली होती किस तरीके से है। वी नो दैट ऑल द कॉर्ड्स आर बेस्ड ऑन ट्रायड्स। ट्रायड्स से हम जो है ना कॉर्ड्स बनाते हैं। ट्रायड्स आपको पता ही है, मैंने वीडियो बनाया हुआ है उसको, अगर आप नहीं पता है ट्रायड्स क्या होती है तो आप चेक कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, सो द ट्रायड्स विच वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर द पावर कॉर्ड, इट इज बिल्ट ऑन रूट एंड द फिफ्थ। ओके, अब रूट का मतलब क्या हो गया कि अगर मुझे सी पावर कॉर्ड बजाना है, सो सी इज द रूट, सी नोट जो है वो रूट है और उसकी जो फिफ्थ नोट है वो जी होती है। सो वी आर गोइंग टू होल्ड दोज टू नोट्स टुगेदर एंड स्ट्राइक इट टुगेदर, मतलब प्ले दैट टुगेदर। जैसे मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। सो दिस इज द फर्स्ट फिंगर, द वे विच वी आर गोइंग टू होल्ड इज फर्स्ट फिंगर ऑन सी नोट। सी नोट यानी फिफ्थ स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट डेफिनेटली, एंड द थर्ड फिंगर विच यू आर गोइंग टू पुट इट ऑन द फोर्थ स्ट्रिंग ऑफ फिफ्थ फ्रेट, करेक्ट। सो दैट इज वेयर वी आर गोइंग टू पुट आवर फिंगर। थोड़ा क्लोज में देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। सो दिस इज द वे विच वी आर गोइंग टू होल्ड द पावर कॉर्ड। ओके, सम कैन डू इट इन दिस वे एज वेल। सो जनरली ये कैसा साउंड करता है, द थिंग इज दैट ये सी नोट और ये है जी नोट। सो वी आर व्हाट वी आर डूइंग इट्स, अभी एक इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी आप पावर कॉर्ड बजाते हैं तो ये जो शेप है इस तरीके से ही आप बजा सकते हो फॉर टू सेट्स ऑफ स्ट्रिंग्स। एक तो है आपका सिक्स स्ट्रिंग और फिफ्थ स्ट्रिंग को। ओके, आप ऐसे ले सकते हो, दिस इज द शेप, एंड यू कैन ऑल्सो यूज द सेम शेप ऑन फिफ्थ स्ट्रिंग एंड फोर्थ स्ट्रिंग। सी पावर कॉर्ड बजाओगे तो उसका रूट जो है ये सी नोट होगा, जो पॉइंटिंग फिंगर से हम लोग होल्ड करते हैं, और जो रिंग फिंगर से हम होल्ड कर रहे हैं वह उसकी फिफ्थ नोट। ओके, ओनली फॉर दिस शेप। सो दिस इज हाउ इट इज वी कैन साउंड। अभी पावर कॉर्ड्स का एक इम्पॉर्टेंट मैं चीज़ बता देने वाला हूँ, आप जब भी पावर कॉर्ड बजाओगे कोशिश करना कि म्यूट करने का। ओके, बिकॉज इफ यू डोंट म्यूट इट, इट्स गोइंग टू साउंड वेरी ऑकवर्ड। जैसे देख लीजिए, मैं अभी जी पावर कॉर्ड बजा रहा हूँ, यू विल बी एबल टू हियर द साउंड डिफरेंस। मैं विदाउट म्यूटिंग के पावर कॉर्ड बजा रहा हूँ, हाउ इट साउंड्स। ओके, सो दिस इज द जी पावर कॉर्ड विच आई वॉज होल्डिंग। अभी मैं इसको म्यूट करके बजाऊंगा, आपको डेफिनेटली पता चल रहा होगा कि डेप्थ जो है इसमें ज्यादा हो गई जब मैं म्यूट करके बजा रहा हूँ, बिकॉज इसमें अनवांटेड जो स्ट्रिंग नॉइज है वो म्यूट हो जाती है। डेफिनेटली आपको इलेक्ट्रिक गिटार पता ही होगा कि किस तरीके से हम लोग म्यूटिंग करते हैं। अगर नहीं है तो मैं वापस बता देता हूँ कि दिस इज द पार्ट विच वी यूटिलाइज फॉर म्यूटिंग द स्ट्रिंग्स। ओके, आपके जो फ्लेशी पार्ट है, ओके, बिकॉज यू आर गोइंग टू होल्ड विद टिप्स ऑफ द फिंगर, राइट। सो इससे आप जब होल्ड करोगे, बाकी जो अनवांटेड स्ट्रिंग्स है उसमें जिसमें आप स्ट्राइक नहीं कर रहे हो या कोई उसकी नोट जो प्ले नहीं हो रही है, उसे हम यहाँ से म्यूट करेंगे व्हाइल वी आर प्लेइंग हियर। और एक म्यूटिंग का ऑप्शन जो है, ये आपकी जो फ्लेशी पार्ट है ऑफ दिस हैंड, यू आर गोइंग टू पुट इट ऑन योर ब्रिज। ये जो ब्रिज सेक्शन है आपका,
यहाँ पे ब्रिज है ये एरिया, इस पे आप हाथ में ऐसे इस तरीके से रखोगे, हल्का से रखना, जोर से दबाना नहीं है, हल्का से रखना है। अगर हल्का से रख कर आप प्ले करोगे तो इट्स गोइंग टू म्यूट द अदर स्ट्रिंग्स विच इज नॉट रिक्वायर्ड। ओके, सो ये क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो डिफाइंड साउंड, रिच साउंड जो है पावर कॉर्ड की, वो उसमें बेहतर आती है रादर देन प्लेइंग ऑल द स्ट्रिंग्स जस्ट लाइक दैट। ओके, अभी मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ पर्टिकुलरली अबाउट दिस टू पावर कॉर्ड्स। ओके, जैसे हमने जो शेप्स जो पकड़ा था ना, एफ मेजर का शेप दिखाया था मैंने। ओके, सो दिस इज द शेप ऑफ एफ मेजर, वी ऑल नो, ठीक है। दिस इज द जी मेजर। देखिए, ध्यान से देखिए इस जगह को। अगर मैं बाकी जो है ना थर्ड फिंगर को रहने दूँ, यानी रिंग फिंगर को रहने दूँ, और बाकी जो सारे फिंगर्स हटा दूँ, तो वो देखिए पावर कॉर्ड बन जाती है, ऑलमोस्ट पावर कॉर्ड बन जाती है। ओके, सो दिस इज द थिंग विच वी आर होल्डिंग। अगर शेप नहीं पकड़ पा रहे हो तो दिस इज द वे विच वी आर गोइंग टू होल्ड इट। ये जो है यहाँ पे था, ये यहाँ से लेकर हमने यहाँ पे प्ले किया हुआ है। ऑफ कोर्स दिस, इफ यू होल्ड इट इन दिस वे, इट इज गोइंग टू बी योर ऑक्टेव शेप। ये ऑक्टेव शेप को नहीं पकड़ के आप यहाँ पे पावर कॉर्ड बजा लेना। ओके, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक विच यू कैन स्विच बिटवीन। ओके, एंड क्रिएट इंटरेस्टिंग मेलोडीज। जनरली ये पावर कॉर्ड कहाँ यूज होता है? रॉक मेटल, डेफिनेटली रॉक मेटल इज अ फेवरेट जॉनर विच वी कैन यूटिलाइज दिस पावर कॉर्ड इन। ब्लूज पे भी कुछ कुछ पावर कॉर्ड यूज कर सकते हैं डेफिनेटली। टू इंक्रीज द रिचनेस ऑफ अ कॉर्ड वी कैन यूटिलाइज द पावर कॉर्ड। एंड डेफिनेटली और भी शेप्स हैं, मैं दिखा देता हूँ, शेप्स को ध्यान से देख लीजिएगा, so that you can utilize it. Okay, so now what about the other power cords? कुछ power cords में जो दिखा रहा हूँ अभी, ये आपको nut position पे ही मिलते हैं, लोग अक्सर दिखाते नहीं है, मैं दिखा दे रहा हूँ, so please utilize it. Okay, the power cords which I am going to hold is this one. Just letting the middle finger out of the way, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे पावर कॉर्ड का शेप पकड़ ले रहा हूँ, एंड इट इज जस्ट द पावर कॉर्ड, ठीक है। मेजर कॉर्ड्स जो आपने प्ले किया हुआ था, एफ मेजर वाला जो शेप था, ठीक है, वो शेप में ही ये फिंगर जो हटा लोगे आप, इससे जो है ना पावर कॉर्ड वो बन जाती है। ओके, सो यू कैन अंडरस्टैंड द इन्वॉल्वमेंट। तो यहाँ पे देखिए, ये जो नोट्स इन्वॉल्व हो रही है, नोट्स क्या क्या इन्वॉल्व हो रही है पावर कॉर्ड्स में, यहाँ पे देख लीजिए, दिस इज द जी नोट, ये जी नोट है। उसके बाद थर्ड फिंगर से हम क्या कर रहे हैं, थर्ड फिंगर से हम जो है ना उसका फिफ्थ पकड़ रहे हैं। ओके, दिस इज द फिफ्थ, एंड अगेन विद द लिटिल फिंगर उसी फ्रेट पे, उसके नीचे ही आपको क्या मिल रहा है, ऑक्टेव नोट, राइट। सो डेफिनेटली ये जो है ना ऐसे पकड़ोगे तो ये पावर कॉर्ड बन जाती है, एंड यू कैन साउंड ऑसम यूटिलाइजिंग दिस इन वेरियस जॉनर्स। ओके, सो दिस इज द शेप विच यू आर गोइंग टू अगेन फॉलो इन द रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग्स। ये जो है ना, टॉकिंग अबाउट फिफ्थ स्ट्रिंग एंड द फोर्थ स्ट्रिंग, ये दोनों को इस तरीके से आप पकड़ के यू कैन ऑल्सो होल्ड इट। सो दिस इज द जी कॉर्ड, जी पावर कॉर्ड, दिस इज द सी पावर कॉर्ड। ओके, अभी मैंने इससे पहले थोड़ा सा जो है ना एक शेप दिखाया, होल्डिंग ओनली दीज टू। ओके, लाइक दीज टू, मैं फोर्थ फिंगर से जो है ना ये यहाँ पे होल्ड नहीं कर रहा हूँ। ओके, सो आई कैन ऑल्सो गो अहेड एंड यूटिलाइज दिस, एंड दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी टर्म्ड एज पावर कॉर्ड। ओके, शॉर्ट वर्जन है, आई यूज इट फॉर क्विक पावर कॉर्ड चेंजेस, ठीक है। सो यू कैन यूटिलाइज दिस शेप एज वेल टू प्ले द पावर कॉर्ड्स। ओके, सो आपको दिखा देता हूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या है। I'm not using the pinky. Now I'm going to utilize the fourth finger or the pinky. This is a way which you can utilize. Now, talking about the shape which we can like, which we can play on the nut position. ये nut position पे कुछ कुछ shapes जो है, open power chords बोलता हूँ मैं इसे. So, आप जो है ना, you know how we hold this E minor chord, जो है, ये E minor chord है.
जो नॉर्मली जो है जो माइनर कॉर्ड्स हम लोग हैं इस तरीके से पकड़ते हैं, राइट? वी होल्ड दिस नॉर्मल कॉर्ड इन दिस वे, राइट? देख लीजिए शेप, दिस इज द वे विच वी होल्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट. सो अगर मैं इसे थोड़ा एक शिफ्ट कर जाऊं तो दिस इज द नॉर्मल माइनर कॉर्ड. ओके, सो यहाँ ये जो नॉर्मल माइनर कॉर्ड मैं प्ले कर रहा हूँ, इट इज अ शेप ऑफ अ पावर कॉर्ड. ओके, दैट्स द रीजन इट साउंड्स ग्रेट व्हेन वी प्ले द ई माइनर कॉर्ड. यस, रॉक वाली वाइब आ रही है डेफिनेटली. You can go ahead and utilize. अभी जो है मैं दूसरा पावर कॉर्ड जो है ओपन पोजिशन पे वो भी दिखा देता हूँ. सिमिलरली जब हम यहाँ पे ये माइनर कॉर्ड पकड़ते हैं, ओके, लाइक द पावर कॉर्ड विच आई शोड यू, इस तरीके से जो इसका भी ये शेप ही आगे अगर हम यहाँ पे पकड़ना चाहें तो वी कैन होल्ड इट. दिस इज एम. ध्यान रखिएगा जब भी ये पावर कॉर्ड्स हम बजा रहे हैं, पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट द फिफ्थ स्ट्रिंग विच वी आर नॉट गोइंग टू इन्वॉल्व द सिक्स स्ट्रिंग, ठीक है? सिक्स स्ट्रिंग जो है उसे हम लोग इसको इस पावर कॉर्ड में इन्वॉल्व नहीं करेंगे. वी नो दैट वी डोंट वांट टू साउंड ओवर पावरिंग या थोड़ी जो है ना वॉइसिंग्स वगैरह चेंज हो जाएगी इफ़ यू यूटिलाइज दिस कॉर्ड. गलत नहीं है लेकिन आई डोंट रिकमेंड इट. ओके, फॉर सम कॉर्ड इज गोइंग टू साउंड ओके, बट सम कॉर्ड्स जहाँ पे वो नोट इन्वॉल्व नहीं होती है उस स्ट्राइड में, वहाँ पे वो ऑकवर्ड हो जाएगी. सो आई डोंट वांट यू टू गो अहेड एंड यूटिलाइज दैट. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द जी पावर कॉर्ड जो है ओपन पोजीशन पे है. सो सी द शेप विच आई एम होल्डिंग इट राइट नाउ, दिस इज द वे विच आई एम गोइंग टू होल्ड. ओके, तो इसमें कौन कौन से नोट इन्वॉल्व हो रही है? ओब्वियसली जी पावर कॉर्ड होगा तो जी का नोट होगा, एंड विथ माई थर्ड फिंगर एंड द फोर्थ फिंगर आई एम गोइंग टू होल्ड द सेकेंड स्ट्रिंग एंड द फर्स्ट स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट पर ही, ठीक है? सो आइदर वे यू कैन गो अहेड एंड प्ले. सेकेंड फिंगर से अगर आप इसको इसे लीजिएगा तो यू आर गोइंग टू बी मोर कम्फर्टेबल रादर देन होल्डिंग विद द फर्स्ट फिंगर. ओके, सो सेकेंड फिंगर से लीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा. सो एंड द थिंग इज दैट वी आर गोइंग टू म्यूट द फिफ्थ स्ट्रिंग हियर. फिफ्थ स्ट्रिंग जो है साउंड नहीं आएगी उससे. सो दिस इज द वे विच वी आर गोइंग टू प्ले इट. So this is the G power chord. Now talking about the D power chord. D power chord obviously यहाँ पे जो chord मैं अभी दिखाने वाला हूँ ये D string से involvement है. D string involve करेगी and we are going to omit the fifth string and the sixth string here. That means we are not going to go ahead and play. Also we are not going to ring out the first string because वहाँ पे वो notes जो है ना हम नहीं play कर रहे हैं. So go ahead and play the way I am holding this. I am going to hold this A note on the third string with the second finger, और जो है fourth finger से हम जो है पकड़ रहे हैं कौन सा नोट, we are holding it the D note. Okay, और हम strike करेंगे string number 4, 3, 2, यही string को हम लोग strike करेंगे. You can go ahead and utilize this. Okay, and ये जो अब मैं बता देता हूँ कि power chords wide sounds very good because यहाँ पे देखिए ये जो power chord है ये आप minor chords के ऊपर भी use कर सकते हैं and major chords के ऊपर भी use कर सकते हैं because यहाँ पे जो third जो note है third से ही हम लोग जो है ना define करते हैं कि वो chord major है या minor है या augmented है. This is what we are defining क्योंकि ट्राइड्स में हमने पढ़ा है, हमने सीखा है कि मेजर ट्राइड्स में 1, 3, 5 कॉर्ड टोन्स होते हैं. 1, 3, 5, इजंट इट? सो अगर हम लोग 3 को एलिमिनेट कर दे रहे हैं तो वी आर नॉट गोइंग टू एबल टू हियर व्हाट काइंड ऑफ टोनैलिटी इट इज हैविंग. सो दैट्स द रीजन यू कैन यूटिलाइज बोथ ऑन दिस पावर कॉर्ड्स ऑन बोथ द माइनर एज वेल एज मेजर कॉर्ड्स डिपेंडिंग अपॉन द कॉर्ड स्केल रिलेशनशिप. जो भी आप टोनैलिटी पे बजाओगे उसके हिसाब से आप इसको प्ले कर सकते हो एंड यू कैन यूटिलाइज.